अच्छा एग्रीकल्चर भी जो होगी वो क्या बहुत प्रॉस्परस एग्रीकल्चर, मतलब जो अगर कम एग्रीकल्चर भी हो रही है उसमें विविधता बहुत ज्यादा पाई जाएगी, डाइवर्सिटी पाई जाएगी, या सीमित होगी बहुत ही कम संख्या में जो है एग्रीकल्चर, और बहुत ही विविधता यानी डाइवर्सिटी उसमें कम होगी, कुछ ही फसलें होंगी जिस पर हम काम करेंगे। क्लियर है, डन। अब चलो देख लेते हैं, हो सकता है मैं सही हूं या गलत हूं। चलो भैया, लिमिटेड एग्रीकल्चर, तो क्या वीट, गेहूं, कॉटन, कपास थोड़ी मात्रा में, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी पशुओं, क्योंकि हमें सुरक्षा खाद्य से नहीं मिल पा रही है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि पशुओं को पालना, वो भी छोटे छोटे पशुओं को, ठीक है, पशुओं को पालना, पॉटरी यानी मृद भांडों का निर्माण करना जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, लेकिन ये भी बहुत उन्नत किस्म के नहीं थे, काम चलाओ शुरुआती दौर में। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो तो गेहूं, कपास, जौ, इन सब चीजों को उगाना बेसिक रूप में, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं। इसका मतलब हमें आर्किटेक्चर अभी डेवलप नहीं करना, हमें स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने अभी इस स्टेज में, हमारे पास अन्नगार बनाने की जरूरत नहीं, हमें अन्न भंडार नहीं करना है। इसका मतलब है कि हमारा समाज अभी भी खाद्य सुरक्षा में पड़ा होगा। इसका मतलब इस समय हम जो है जो हड़प्पा सभ्यता में बहुत विशिष्ट चीजें पाई जाती थी, डेवलप होता था, ठीक है, आगे चलकर हम मेटलर्जी में एंटर करते हैं, वो सब अभी गायब रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो, नेक्स्ट स्टेज इज नोन एज सेकेंड स्टेज, नेक्स्ट स्टेज नोन एज सेकेंड स्टेज, इसको बोलते हैं इनिशियल हड़प्पन एज, लिखो प्रारंभिक हड़प्पा काल। पैंतीस सौ से 2600 BC, 3500 टू 2600 बिफोर क्राइस्ट बीसी। हिंदी में नोट्स लिखा है, लिखा तो रहे हैं बाबा, कैसे लिखा है? निखिल पांड्या, प्रारंभिक हड़प्पन काल, हिंदी इंग्लिश में मेरी क्लास में कोई दिक्कत नहीं आती, चलिए प्रारंभिक हड़प्पन काल, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अभी इसके बारे में जब क्लास में आओगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इसकी कहानी सुनोगे, अभी फिलहाल इसको लिख लो। जब बीसी की कहानी बताऊंगा कि क्या था, जब आपको यह पता चलेगा जो आप इतिहास पढ़ रहे हो आपका है ही नहीं है, तो उस दिन पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो किसी और ने बताया है, तुम्हें बताया कि इसी तरह तुम्हें पढ़ना है। तो ईसा मसीह से ही सब कुछ शुरू हो रहा है, क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलो अभी उस समय सब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अब क्या हुआ, लोगों को अपने कृषि क्षेत्र का विस्तार करना था तो मैदान की तरफ जाएंगे। मैदान क्यों, वाई, पीपल मूव टूवर्ड प्लेन्स, लिखो लोग मैदानों की तरफ जाने लगे, नीचे की तरफ आने लगे। अब रीजन पता है, ऊपर क्यों नहीं जा सकते, पहाड़ी इलाका है, एलिवेशन है, वहां पर मिट्टी नहीं पाई जाएगी। याद रखिएगा ज्योग्राफी, फिर घुसे रहा हूं, अब समझता जाना, प्लेन का मतलब होता है समतल, लोग मैदानों की तरफ समतल एरिया में जाने लगे। मिट्टी, मैंने अभी आपको बताया था कि मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, एग्रीकल्चर का आधार होता है। मिट्टी का आधार जानते हो क्या होता है, एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं, ठीक है, मिट्टी का आधार क्या होता है, चलिए, जो सॉइल है इसका जो बेस होता है वो होता है ग्रेडियंट यानी ढाल। ढाल जितनी कम होगी यानी ग्रेडियंट स्लोप, ढाल जितनी कम होगी मिट्टी उतनी मेच्योर होगी। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे इसको, फिर ये सारे वर्ड तुम्हें वहां देखने को मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा, बोलो अरे उजांग सर ने बेस बता दिया था। स्लोप जितना कम होगा, स्लोप जितना कम होगा सॉइल उतनी ही मेच्योर होगी। स्लोप के साथ क्या होगा, मिट्टी नीचे खिसक जाएगी, पहाड़ों पर देखो पूरी पूरी मिट्टी नीचे आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। लेकिन आप प्लेन्स में जाते हो तो मिट्टी क्या मिलती है हमें, मिट्टी हमें मस्त दिखाई पड़ती, एकदम बराबर मेच्योर। क्लियर, तो अब मुझे अपनी एग्रीकल्चर को इनहेंस करना है, क्यों, क्योंकि मैं, ये कारण है मेरे सामने आ रहा है, एग्रीकल्चर होगी फूड सिक्योरिटी होगी, फूड सिक्योरिटी होगी सोसाइटी का साइज बढ़ेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, अदर एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व करेंगे, और एग्रीकल्चर के लिए मुझे मेच्योर सॉइल चाहिए। तो मैं ऐसे एरिया की तरफ जा रहा हूं जहां प्लेनर हो, जहां ढाल कम हो, अपना हैबिटेट, अपना आवास बना सकूं, ठीक है, अपने आप को स्थापित कर सकूं। देखो सब चीजों के लॉजिक हो रहे हैं, तो आप कहां मूवमेंट करते हैं, आप नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं टुवर्ड्स प्लेन। क्लियर हुआ, अब इन्होंने पहियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यूज ऑफ व्हील, पहियों का, प्लॉ, हलों का इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी मिट्टी को जोतने के लिए अब इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे, औजार आने लगे, स्टार्टेड व्हील एंड प्लॉ, पहिए का इस्तेमाल शुरू किया और प्लॉ यानी हल का इस्तेमाल शुरू किया।
अब इन्होंने जब चूंकि एरिया इनका बड़ा हो गया, सॉइल अब इन्हें मैच्योर मिलने लगी, प्लेनर एरिया में गए, बड़ा एरिया मिला, तो अब इन्होंने सरप्लस प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, फूड सिक्योरिटी आनी शुरू, यानी अब अन्न को मैं अपने ऐसे समय के लिए, बारिश हो रही है, जाड़ा आ गया, तो मैं बचा के रखूंगा, ग्रीनरी का इस्तेमाल करूंगा। लिखो, अन्न भंडार ग्रहों का निर्माण, अन्न भंडार ग्रहों का निर्माण, ग्रीनरी। रेखा ने लिखा, क्या आप मेरे मैसेज देख रहे हैं? अब भैया या तो मैं डेढ़ अखी हूं, मतलब थोड़ा सा जो है अलग अलग साइड में देख रहा हूं, स्क्विंट हूं, तो क्विंट में अब मैं इधर भी देखूं उधर भी देखूं, या तो मुझे पूरा फोकस करके पढ़ा लेने दो, मैसेज के लिए बाद में हम बात करेंगे। और दे स्टार्टेड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, और इन्होंने लंबी दूरियां तय करना, क्योंकि पहिया क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, लॉन्ग दूरियां, लंबी दूरियां जाने लगे। अब जब लंबी दूरियां जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक तो एग्रीकल्चर में आपके पास सरप्लस आ गया, 10 किलो गेहूं खाते थे, 12-13 किलो एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास, तो अब मैं क्या करूंगा, पहिया हो गया, मैदानी इलाकों में आ गया, मैदानी इलाकों में अब सेटलमेंट करना यानी अधिवास बनाना आसान होता है, पॉपुलेशन वहीं आकर रहने लगी, तो अब मैं ट्रेड करूंगा, व्यापार करूंगा, यानी एग्रीकल्चर के बियॉन्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, इकोनॉमी आ गई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरी का व्यापार प्रारंभ हो गया। आया मजा? एग्रीकल्चर बिकेम प्रॉस्परस, कृषि उन्नत होने लगी, कृषि उन्नत होने लगी। और जब कृषि उन्नत होने लगी, एग्रीकल्चर प्लस का मतलब सरप्लस हो गई, तो भाई मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम फूड सिक्योरिटी आ गई, ट्रेड करने लगा। नाउ अब मेरे पास ऐसा रहेगा कि मेरे पास सुरक्षा हो गई, सिक्योरिटी आ गई, मैं हैंडीक्राफ्ट, अदर एक्टिविटी, नए नए अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाना, ढेर सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। एंड एट दैट टाइम हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प तेजी से उन्नत हुआ, हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट प्रॉस्परस, प्लस का मतलब आगे बढ़ गया। LWMI में एक खास बात होती है, हमें लंबे लंबे सेंटेंस लिख के कहानी नहीं लिखनी है, तो LWMI सीखो मेरे साथ कि कैसे हम काम करते हैं, और तुम्हारा टीचर अपने हाथ से नोट्स लिखता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम भी हाथ से लिखो, थोड़ी शर्म करो। पीडीएफ कल्चर को मैं विरोध करता हूं, मैं बहुत ज्यादा पीडीएफ कल्चर को लाइक नहीं करता, क्योंकि उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। आपका मन है आप करिए, लेकिन हम तो यहां उन लोगों से मिलने आए उजांकियन से जो इस बार इरादा करके बैठे कि यूपीएससी से सीधे सीधे खोपड़ी खोपड़ी टकरा जाएंगे और फोड़ के चले आएंगे, ठीक है? तो यही वाली हमें जो है, ऐसे हम जुनूनी लोगों को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनको ये कि नहीं भैया अभी तो 5 साल पापा ने बोला पंचवर्षीय योजना फॉलो करो, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? अब आ जाते थर्ड स्टेज, दिस इज नोन एज मेच्योर हड़प्पन स्टेट, तृतीय चरण के बारे में लिखो, तृतीय चरण हड़प्पा लिखो, इसे विकसित हड़प्पा चरण कहा जाता है, पूरी एकदम बड़ी से कहते हैं विकसित हो गई, 2600 से 1800 BC। अब मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास खाद्य सुरक्षा हो गई, जब तुम्हारे पास आय सुरक्षा आ जाती है, समाज में लेबर डिवीजन होने लगता है, और तुम्हारे पास कृषि की अतिरिक्त आय होने लगती है बियॉन्ड द एग्रीकल्चर, सपोज दैट आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सो वेयर यू विल मूव? तुम गांव में एग्रीकल्चर कर रहे थे, तुम्हारी अच्छी तुमने पढ़ाई की, तुम IAS ऑफिसर बन गए, या तुम जो है डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सो वेयर विल यू मूव? You move into the urban center. Urban sector क्या होते हैं? Where the आज की डेट में अगर हम कहें तो वो क्षेत्र जहां पर एक तिहाई से भी कम आबादी एग्रीकल्चर करती हो, या दो तिहाई, 2/3 of the population never ever involved in the agriculture. दो तिहाई आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। अब आप देखिए हड़प्पा कल्चर की ताकत, कि दो तिहाई आबादी शहरी आबादी थी। शहर का मतलब what do you mean by urban center? Well structured roads, हाउसिंग सोसाइटीज, जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न यानी कि जो गंदा पानी है नाले से वो अंदर अंदर अंडरग्राउंड निकल जाए, दीज आर नोन एज अर्बन, जहां पर फैसिलिटीज होती हैं, जहां पे स्विमिंग पूल्स होते हैं, जहां पर स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, दिस इज नोन एज अर्बन सेंटर्स। एंड द पीपल हैज अ डिफरेंट ऑप्शंस, जो अपनी जो लिवलीहुड है उसके लिए ऑप्शंस उसके पास ज्यादा होते हैं, स्ट्रक्चर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, यही तो अर्बन लाइफ होती है। आज की डेट में अर्बन लाइफ यही है हमारी, आप जाते हैं स्विमिंग पूल्स हैं आपके पास, सड़कें हैं, ड्रेनेज पैटर्न है, अंडरग्राउंड सीवेज वाटर जो है वो निकल जाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, ये आपकी फैसिलिटीज हैं।
सो उस समय जब इस तरह से हमने इकोनॉमी को डेवलप किया, वी स्टार्टेड अ न्यू एरा, उस समय दुनिया की एक क्रांतिकारी चीज को लेकर आए, और मोस्ट सोफेस्टिकेटेड, सबसे जिसे कहते हैं बहुत विकसित शहरी सभ्यता को हमने जन्म दिया। ये दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक यह सभ्यता थी, और यूपीएससी ने क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया पूछा। और एक ऐसी सभ्यता थी जहां पर उसको हम लोग प्लांट, ये अर्बन लाइफ जो थी हमारी वो बेसिकली प्लांट, शहर तो आज भी हमारे हैं लेकिन दिल्ली में पानी बरसा, घरों में घुस गया, बसों में घुस गया, ये प्लांट नहीं है कि अगर कितने लोग रहेंगे, कितना पानी निकलेगा, सीवेज की कैपेसिटी कितनी है। तो अर्बन लाइफ जो थी वो प्लांट थी, नियोजित, इसको कहते हैं शहरी जीवन। कहां पार्किंग होगी, कहां क्या होगा, तो ये हमारा नियोजित कहलाता है, नियोजित प्लांट। यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा कि जिस देश में हड़प्पा जैसा या इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा वेल प्लांड अर्बन सिविलाइजेशन थी, जिसे अच्छी तरह से नियोजित शहरी सभ्यता थी, आज उसके शहर इतने गड्ढमड्ढ क्यों हैं? आज हमारे शहरों में पॉल्यूशन, दिल्ली की हालत देखिए, इमरजेंसी लगानी पड़ गई है, सांस ने अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्लासेस बंद हैं, दिल्ली गैस चैंबर बन गई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, शहरों में भीड़ बढ़ी हुई है, गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। यही तो आज हमारा सिस्टम बन गया है, राइट? यही तो हमारा सिस्टम बन गया है, क्वेश्चन मेंस में आया था। अब हड़प्पा को उसने आज की अर्बनाइजेशन से सोचा और कहा कि जो स्मार्ट सिटी आ रहा है वो इसका कैसे सॉल्यूशन दे सकता है। अब सोचिए कि यूपीएससी तुमसे कितनी बड़ी इंटरलिंकिंग कह रहा है। अगर आईएएस तुम्हारे दिलों में जुनून में बसता तो आप अंदाजा लगाओ कि हड़प्पा को उठाया, आज की भारत की समस्याओं से जोड़ा और बताओ स्मार्ट सिटी इसका समाधान कैसे दे सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, राइट? तो ये होता है हमारा सिस्टम। तो अर्बन लाइफ हुआ अगला। अब जब लोग अर्बन लाइफ में आते हैं, दे मस्ट हैव द सिक्योरिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी, दे मस्ट हैव द लिवलीहुड सिक्योरिटी, आजीविका सुरक्षा हो जाती है, अदर ऑप्शन बियॉन्ड द एग्रीकल्चर, कृषि के अतिरिक्त भी हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे लेकर जाते हैं। आज पूरी दुनिया में अमेरिका जिसके पास खाने के लिए अच्छा खासा है, चाइना जिसने अच्छा खासा इकोनॉमी को डेवलप कर लिया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। आप साथ साथ देखो जैसे जैसे इनके समाजों में पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती जाती है, इनके जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी ज्यादा है। आज ज्यादा से ज्यादा नोबेल प्राइजेस में आप देखेंगे ज्यादातर अमेरिकन, ब्रिटिश, ठीक है, जर्मन, इनका जो है वो आपने देखा होगा नोबेल प्राइज जिनको मिलता है, इनकी तूती बोलती है, ये सुपर सीडेड है उसमें। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर ये जो सुपीरियर बने हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, इनको ये चिंता नहीं कि आज शाम को हमें सब्जी कहां से लेकर जानी है, आज हमारे घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। वेल पेड जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इनको भुगतान मिला हुआ है। तो जब समाज के पास, याद रखिएगा, अभी मैंने फूड सिक्योरिटी बात की, लिवलीहुड सिक्योरिटी, जब सोसाइटी के पास इनकम सिक्योरिटी आ जाती है, कितनी मस्त बात है, जब सोसाइटी के पास इनकम यानी आय की सुरक्षा आ जाती है, तो सोसाइटी क्या करती है, इंटेलेक्चुअली राइज करना शुरू कर देती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ नए नए टेम्परामेंट आते हैं। एट दैट टाइम वी स्टार्टेड यूनिफॉर्म मेजरमेंट, यानी मापन के लिए जो मेजरमेंट करते हैं, हमने सार्वभौमिक मापन प्रणाली शुरू कर दी, सार्वभौमिक मापन प्रणाली शुरू कर दी। और हमने नाव बनानी सीखी, हमने साइंटिफिक एलिवेशन किया, वी स्टार्टेड ट्रेड विद मेसोपोटामिया एंड गल्फ सिटी, देखो हमने खाड़ी देशों मेसोपोटामिया से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ऐसे थोड़े ना होगा, हमें समुद्रों में चलने वाली नाव, वो सॉल्ट वाटर को डील करने वाली नाव, हमारे पास बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ हमारे पास था, तभी तो हमने किया। हमने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया, गेहूं, चना, सरसों, मटर, हमने ये सब, जो गेहूं, मटर और सरसों, ये सब हमने जो है उसमें डेवलप करना शुरू कर दिया। क्लियर? देखा पढ़ने का मस्त तरीका, कैसे इंटरलिंक करके पढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन, आगे चले हम लोग। सो दिस इज एनसीईआरटी जर्नी एंड द वे ऑफ एनसीईआरटी वी आई एम गोइंग टू डील विद। तो इस तरह से मैं अभी क्लासेस को मैप के साथ जोड़ रहा हूं। अब जब इसकी डिटेलिंग में हम जाएंगे, दिस नॉट डिटेलिंग, ये आपको मैं दिखा रहा हूं कि सब्जेक्ट इंटरलिंक कैसे होता है। जिस दिन आपको वो जो आपका वो बचपन से आपको सिखाया गया ना कि यार ये हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, जिस दिन वो मैं ब्रेक करके, वो डायरेक्ट तोड़ के मैं आपको सिखा दूंगा कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में इंटर कैसे करते हैं, और बिल्कुल ही फ्लॉलेस,
निर्बाध रूप से कमांड के साथ सोसाइटी को इकोनॉमी में घुसेड़ा, इकोनॉमी से हम चले गए कल्चर में, हम आपस में किस तरह से लिंक कर सकते हैं। जिस दिन ये आप आर्ट सीख जाओगे उस दिन आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। और विजुअलाइजेशन करते हुए हमें कमांड करना, आज आप देखिए आज आपने क्या क्या सीखा, आज आप फंडामेंटल सीखे, आज आपने सीखा कि कैसे एक सॉइल, एक स्लोप, एक ढाल हमारी पूरी सिविलाइजेशन का भी बेस हो सकता है। हमारे सारे आज उठाकर मैप देखना, आप देखोगे जितने हमारी प्रोमिनेंट सिटीज हैं वो सारी की सारी नदियों के किनारे तुम्हें दिखाई पड़ेगी, चाहे वो आपके कल्चरल सिटीज हो, सांस्कृतिक जो है शहर हो, आपके औद्योगिक हो, आप देखेंगे वो नदियों के आसपास कहीं बैठे हुए हैं। तो आपको बहुत सी चीजें, और आपको ये भी है, आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, आज आप थिंकिंग करना शुरू, मेरी क्लास में आप थिंक करें, एनसीईआरटी है क्या, एनसीईआरटी पीछे जरा सोच के देखो करके आते क्वेश्चन आते हैं। आज आप देखना कि हमारी सारी नदियां, हमारी सारी नदियां और ऑल रिवर्स, आज मैं होमवर्क दे रहा हूं, आज आप करके कल की क्लास में आप मुझे बताएंगे, वो प्रदूषण से बहुत ज्यादा मारी जा रही हैं, वो प्रदूषण का शिकार है, राइट। और सारी नदियां, चाहे वो एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से परेशान हो, चाहे वो एक्सेसिव इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से परेशान हो, या सीवेज डायरेक्टली गिराया जा रहा है। तो पहले हम नदियों के किनारे बसे और अब उसके बाद हम नदियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर तुम भारत की नदियों की कैटेगरी करो, यानी कि शहर जहां आसपास वो जो सिटीज है जो नदियों के किनारे बसे हैं और वो जो नदियों से दूर बसे हैं, पॉल्यूशन के स्तर में क्या अंतर है, क्या आप मेरे लिए रिसर्च करोगे, ये क्या एक थिंकिंग करोगे। तुम्हें देखो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी से लिंक किया, अब मैं एनवायरमेंट में तुम्हें लेकर जा रहा हूं, यह तो मैंने वादा किया था तुमसे, यही तो वादा किया था, यही होती है इंटरलिंकिंग की ताकत। जब आप सोच रहे, और आप देखिए आज आपने कितने बेहतरीन आंसर दिए, आप में से 90-95% बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया, लिंक करना सीख गए, आज तो पहली क्लास है। इसके बाद जब तुम्हारी ये हैबिट पड़ेगी ना, तब तुम हर चीज को जोड़ना शुरू कर दोगे, और जिस दिन जोड़ना शुरू कर, जिस दिन तुमने वर्तमान और इतिहास को एक साथ जोड़ दिया, उस दिन तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कितना मजा है। तो आप मुझे बताओ कि वो शहर, आज आप जाकर थोड़ा सा मेरे कहने पर स्टडी करो, मैप उठाओ, थोड़ी जानकारी लो, वो शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं, द सिटीज बेस्ड नियर द कोस्ट ऑफ द रिवर्स, उनका पॉल्यूशन लेवल, और जो शहर नदियों से दूर बसे हुए हैं उनके पॉल्यूशन लेवल में क्या डिफरेंस है, नदियों की हालत में क्या अंतर है। अभी आपने दिल्ली की यमुना के बारे में आपने सुना होगा, 25 किलोमीटर वो डेड हो गई है, इसको लिविंग डेजर्ट बोला जाने लगा, छठ पूजा पे आपने उसकी हालत देखी होगी अपनी किताबों में। सो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं इतिहास को पर्यटन, आज पर्यावरण के साथ कैसे जोड़ सकता हूं। अगर ये ताकत तुमने पैदा कर ली ना, तो तुम्हें मजा आने लगे कि तुमको यार यूपीएससी बहुत आसान है यार, हम पकड़ नहीं पा रहे थे उसको, और यही मैं करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी को आपकी थिंकिंग, आपकी सक्सेस का बेस कैसे बनाना है, बस मेरे तरीके थोड़े से अलग होंगे। मैं इनोवेशन के लिए जाना जाता हूं, नई चीजों के लिए करता हूं, रिस्क टेकर हूं। तो वो जो ये सोचकर आए थे कि ओजांग सर कुछ पहाड़ों के नाम दिखाकर उनकी ऊंचाई नपवाएंगे, उनको निराशा होगी, मैं उनके लिए उनसे माफी चाहता हूं। लेकिन वो जिनको वाकई में यूपीएससी से प्यार है, जो समझते हैं कि मैं एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहा हूं, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहा हूं, मैं इस नॉलेज को पुड़िया में डाल के खाऊंगा नहीं, मैं इस नॉलेज को अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूं, मैं इससे इंडिया की प्रॉब्लम्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, आने वाले समय में एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनूंगा, और उसके माध्यम से मैं जो है वो आने वाले टाइम में मेरा नाम चमकेगा, पूरी दुनिया मुझे इसके लिए जानेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फैक्ट रटने वालों से तो मैं वैसे भी हाथ जोड़ रहा हूं, राइट। सो दिस इज द फैक्ट। और नए तरीके के नोट्स, कम से कम शब्दों में, LWMI, छोटे छोटे पॉइंट्स, कितना आधा पेज भी नहीं भरा होगा तुम्हारा कायदे से, और मेरी बात पूरी हो गई। लॉजिक हमने क्रिएट किया, हमने फैक्ट्स नहीं रटे, हड़प्पा तुमने मेरे ज्यादा पढ़ा होगा, हड़प्पा हड़प्पा कर रखा होगा कई बार, लेकिन लॉजिक क्रिएट करना। तुम हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तुम खुद एक बार कंफ्यूज हुए होगे, यार ये तो ज्योग्राफी में भी जा रहा है हिस्ट्री में, यही अथॉरिटी होती है। जिस दिन तुम्हारे पास ये अथॉरिटी आ गई, किसी भी सब्जेक्ट में कोई माइकला रोक नहीं सकता, जहां चाहो वहां लैंड कर गए, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि यूपीएससी एक्चुअली तुमसे यही डिमांड करता है, और ये डिमांड तुमने क्रिएट कर दी, बस बस बस, पर वो लेके जब बुला के लेके जाएगा, 100% रिकमेंडेशन यूपीएससी नहीं करता सीट्स के लिए, कई सीटें तुम्हें पता है लास्ट में खाली रह जाती है, रिकमेंडेशन 100% सीट्स के लिए नहीं आता है, तो तुम उसके योग्य हो जाओ, वो तुम्हें उठा के लेकर जाएगा। चलो मेरे करण अर्जुन आ गए, तो मैं उम्मीद करूंगा इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे, जुड़े रहिए, मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए, और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो वेट ना करें, कई बार हम फ्री की चीजों के चक्कर में बहुत लंबा वेट कर लेते हैं, राइट। जुड़े रहिए इसके साथ, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए एनसीईआरटी आंदोलन के साथ। और कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, मुझे पता चला मैसेज में भी उन्होंने पूछा,
बीपीएससी को लेकर हमने कोर्स लॉन्च किया है ओटीपी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे, और ओटीपी पे जो है वो जाकर आप ये कोर्स वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सूरज आनंद सर के साथ आप ये जो है वो ले सकते हैं, इसके साथ जो है पढ़ सकते हैं बहुत ही कम फीस में। इसमें हमारी 45 वीडियोस हैं, 45 डेज का लेक्चर है बीपीएससी के लिए, बहुत अच्छी सीट्स निकली हैं, उसके से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जा सकते हैं आप। तो बहुत कुछ जो है वो इसके साथ जुड़ेगा। और जो लोग, एक बहुत मेरा रिक्वेस्ट है, हमने एक नया चैनल शुरू किया है जो है वो ओजांग पीसीएस एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आरओ के जितने भी, अभी आरओ का एग्जाम आ रहा है, उसमें जितने भी रिवीजन करने जा रहे हैं, उसमें हिंदी सहित जो हिंदी कंपलसरी है उसके साथ सारे लेक्चर जो है वो विजयन सर की अध्यक्षता में वो सब वहां पर दिए जा रहे हैं। तो जो लोग स्टेट एग्जाम भी देने जा रहे हैं उसके साथ जुड़ सकते हैं। और ओजांग जीएस एनसीईआरटी का एक चैनल है, वहां एनसीईआरटी से संबंधित कई जो है चीजें हैं, क्वेश्चंस दिए हुए, आंसर दिए हुए, एक इकोसिस्टम डेवलप है। आप जितना चाहे उतना पढ़िए, सिर्फ ये फीस का मैटर नहीं है कि हमें फीस क्या देनी है, इसमें आपको इतनी चीजें मिल रही हैं कि आप दिन भर पढ़ाई करिए, आपको थकान नहीं होगी, इतना बड़ा इकोसिस्टम हमने डेवलप कर लिया है। तो ओजांग पीसीएस एकेडमी का चैनल आप सब्सक्राइब करें सबसे पहले, तो आरओ के लिए जिसको भी एग्जाम देना, और भी तमाम पीसीएस के सेगमेंट्स आ रहे हैं उसमें, तो स्टेट एग्जाम से संबंधित वो डेडिकेटेड चैनल है, वहां पर हम स्टेट एग्जाम से लेकर हमारी सारी फैकल्टी उस पर बात करेगी, उस पर आप जाएंगे। ओजांग टाइम्स करके एक बहुत डेडिकेटेड चैनल है करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें कुसुम मैम रेगुलर जो है वो करंट अफेयर्स लेकर आ रही है, नए नए मुद्दों पे लेकर आ रहे हैं, तो वो भी सबके लिए निशुल्क है, ओजांग टाइम्स यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब करके रखिए इसको। साथ ही साथ ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस एक ऐसा सेगमेंट जहां हम रेगुलर फ्री क्विज दे रहे हैं, आप उसको डाउनलोड करिए, वहां पर क्वेश्चन करिए। और ओजांग जीएस एनसीईआरटी का यूट्यूब चैनल अलग है, जहां पर हम सिर्फ डेडिकेटली जीएस एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं। सो दिस इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पूरे दिन भर पढ़ने के लिए आपके पास ढेर सारा मटेरियल है। और मेरे पढ़ाने का अंदाज वही है, जिसको फैट रटना है, जिसको डाटा रटना है, वो मेरे से परेशान बहुत होगा, लेकिन अगर मेरे साथ चल पाए तो तुम्हें समझ में आएगा यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करता है। किसी ने लिखा 12 दिसंबर से ऑफिशियल एनसीईआरटी बैच स्टार्ट होगा, ऑफिशियली शुरू हो चुका है, जब तुम मेरे साथ जुड़ोगे तुम्हें पता चलेगा, अनऑफिशियल में कोई बात नहीं करता। अगर मैं 10 मिनट भी हूं तो 10 मिनट में अपने बच्चे की भलाई के लिए ही बात करता हूं, उसको कुछ सिखाने के लिए बात करता हूं। बैच शुरू हो चुका है, मेरा एक था कि भ्रांतियां बहुत है एनसीईआरटी को लेकर, तो 1-2-3 क्लास मैंने फ्री कर दी है कि चलो भाई तुम कम से कम जानो कि ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि साल मेरे साथ ऐसे ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़े जो साल साल डेढ़ डेढ़ साल एनसीईआरटी के नाम पर उन्होंने अपना समय बिताया है, बर्बाद किया, और अंत में उनको समझ में नहीं आया कि वो पढ़ क्या रहे थे, और उनको ये नहीं पता चला था कि पैसे की कीमत तुम कैलकुलेट कर सकते हो, वक्त की कीमत कहां से कैलकुलेट करके देखोगे, ये एक साल का वक्त जो है वो कितना भारी तुम्हारे ऊपर पड़ सकता है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। और एक छोटी सी कल्पना मेरे कहने पर करके देख लो कि आज तुम और तुम्हारा दोस्त तैयारी कर रहे हैं, छोटी सी एक बात करके देखना, और किसी अपने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे जाके बात करना, आज तुम और तुम्हारा दोस्त जो है वो तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी कर रहा है, और आप थोड़ा सा हील हवाला कर रहे हैं, यार इस साल एनसीईआरटी कर ले अगले साल देखेंगे। मान लीजिए उसका सिलेक्शन इस साल हो गया, आप बहुत अच्छे हुए, अगले साल आपने ध्यान दिया और अगले साल सेलेक्ट हो गए, लेकिन आप जानते हैं आपका कैडर उससे एक साल जूनियर होगा, और इतनी अंदर व्यवस्था है कि कल तुम कितने भी पक्के दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो, तुम उसको सर कह के संबोधित करोगे, उसका प्रमोशन तुमसे एक साल पहले होगा, उसकी सैलरी तुमसे एक साल के हिसाब से ज्यादा होगी, और सबसे बड़ी बात ये अपने कैडर को फॉलो करते हैं, उनसे पूछा जाता है विच बैच, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, कभी भी उनके बैच के साथ खड़े होकर तुम हंसी मजाक नहीं कर सके, उनकी लाइन होती तब तुम्हें वो पीड़ा पता चलेगी, यार एक साल होता क्या है, ये हमने जो थोड़े से मजाक में थोड़ा इंजॉयमेंट में खुद से कर ले रहे हैं, इस चक्कर में हमने जो समय निकाला वो हमें कितना भारी पड़ रहा है। तो वहां तुम्हें वैल्यू, क्योंकि हम समय की वैल्यू नहीं करते हैं, हम समय को कैलकुलेट, जेब में पैसा पड़ा हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते, समय की कैलकुलेशन नहीं कर पाते। सो स्टार्ट इट, अगर करना है तो करना है, ज्यादा सोचने वाले वैसे भी कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। जिनको करना होता है, नाइकी का क्या होता है स्लोगन, जस्ट डू इट, मेरा सबसे फेवरेट लाइन है, जस्ट डू इट, सोच लिया तो कर लिया। और जो ज्यादा सोचते हैं, तुम अपने जीवन में देखना, जो ज्यादा तुमने सोचे होंगे वो काम कर ही नहीं पाए होंगे। डू वी हैव उत्तराखंड पीसीएस बैच? यस, ऑल टाइप ऑफ पीसीएस बैचेस वी आर गोइंग टू लॉन्च वन बाय वन, आरएएस लेकर आ रहे हैं हम, बीपीएससी हमने लॉन्च कर दिया है, यूपी के लिए चल रहा है काम, और यूके भी हमारे साथ, तो एक डेडिकेटली पीसीएस चैनल ही हम लॉन्च कर रहे हैं, और वहीं से हम सारे अपने कोर्सेज भी लॉन्च करने जा रहे हैं। डन, थैंक यू, कल मिलते हैं दोस्तों, जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया वो जुड़े हैं इसके साथ जल्दी जल्दी। 12 दिसंबर इज अनदर बैच, फिर हो सकता है कि उनका बैच अलग करें, या हो सकता है इसी के साथ उनको कंटिन्यू करें, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, राइट। और हो सकता है कि फिर उनको जो है वो इस तरह से हम चीजों को ना जोड़ पाए, क्योंकि टाइम शॉर्टर होता है तो हम भी थोड़ा सा फास्ट भागते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच बीपीएससी के लिए। हां, बीपीएससी के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसके साथ जा सकते हैं, राइट।
सूरज आनंद सर ने काफी इसमें मेहनत की है एंड दीज आर द फीस, बहुत ही कम फीस में हम इसको, टेस्ट एंड वीडियोस दोनों है, आप पढ़िए और अपने आप को टेस्ट करके देखिए। थैंक यू।